सावन के महीने का क्यों है इतना महत्व, इस महीने में करें ये कुछ खास उपाय। राधे राधे, हरे कृष्णा, आप सबका कृष्णादासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है और ये पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ होता है और चातुर्मास का पहला महीना सावन का महीना होता है। इस महीने में सावन के दिनों में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है और भगवान शिव पर धतूरा, बेलपत्र, चंदन, शहद अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। विशैनी एकादशी से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद से पूरे संसार का संचालन, पूरे पृथ्वी का संचालन भगवान भोलेनाथ के हाथों में रहता है। इसलिए सावन के महीनों में हो सके तो विधि विधान से ज़रूर करना चाहिए शिव परिवार की पूजा। श्रावण मास का प्रत्येक दिन बेहद ही फलदायी होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा श्रावण मास में पड़ने वाले सोमवार के दिन का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन के सोमवार का व्रत करता है उसके वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है, साथ ही उस व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि की कमी भी नहीं रहती है। मान्यता है कि सावन के महीने में की गई पूजा से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। यही नहीं, सावन के सोमवार का व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, साथ ही व्यक्ति का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। सावन के महीने में करें कुछ खास उपाय। दाम्पत्य जीवन। सावन के महीने में पति पत्नी को साथ मिलकर पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण होता है। पति पत्नी के बीच में संबंध मधुर होते हैं। आर्थिक स्थिति। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन भोलेनाथ जी को अनार के रस से अभिषेक करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती को केसर से बनी खीर का भोग लगाएं। इससे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है, मनोकामनाएं पूर्ति होती है। सावन के महीनों में प्रतिदिन 11 व 21 बिलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इससे मान्यता है कि इससे व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रोजगार कारोबार। सावन के किसी भी सोमवार के दिन माता पार्वती को चांदी की पायल चढ़ाएं। इससे नौकरी व व्यापार की बाधाएँ दूर होती हैं और इससे तरक्की भी होती है। सावन मास को सर्वोत्तम मास कहा जाता है। पीछे कुछ खास कारण है। मार्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने लंबी आयु के लिए माँ में ही घोर तप कर शिव जी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने के अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। भूलोकवासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह सर्वोत्तम समय होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि इसी सावन माह में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथने के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित करके सृष्टि की रक्षा की थी, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया था। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व होता है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले जी को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से उनके अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तोत्तम फल है, जिसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए ये समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। ये चार महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा कहते हैं। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं और भगवान शिव के पूरे परिवार पूरे सृष्टि का संचालन करते हैं। इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। क्या है श्रावण मास का महत्व, 10 बातों से जानिए क्यों करें इस मास में पूजा अर्चना और वंदना। इसमें सोमवार के दिन जो भी व्रत रखता है उसे सोमवार व्रत कहा जाता है। सोमवार का दिन भी भगवान शिव को समर्पित है।
सावन को पवित्र माह माना जाता है, इसलिए 16 सोमवार के व्रत का प्रारंभ करने के लिए यह बेहद ही शुभ माना जाता है। सावन में भगवान शिव एवं माता पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए प्रदोष व्रत प्रदोष काल तक रखा जाता है। श्रावण मास में क्या करें और क्या ना करें, इसका विचार हर शिव भक्त को करना चाहिए। सावन के प्रत्येक सोमवार हर किसी की मनोकामना की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। सावन मास में यह कार्य जरूर करना चाहिए शिव भक्तों को। धतूरा और भांग भगवान शिव को अर्पित करें। मिट्टी से शिवलिंग बनाकर नियमित इसकी पूजा करें। दूध का दान करें। शाम के समय भगवान शिव की आरती और पूजा करें। इस महीने में अगर घर के दरवाजे पर सांड आ जाए तो उसे कुछ खाने को ज़रूर दें। सावन के महीने में हो सके तो पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना चाहिए। सावन माह में दाढ़ी बाल नहीं बनवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। सावन माह में साग और हरी सब्जियों का सेवन नहीं किया जाता है। सावन के महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कांसे के बर्तन में नहीं खाना चाहिए। पूजा के समय में शिवलिंग पर हल्दी न चढ़ाएं। सावन के महीने में दूध का सेवन भी अच्छा नहीं माना जाता है। सावन के महीने में दिन के समय में सोना नहीं चाहिए। सावन के महीने में बैंगन नहीं खाया जाता है। शिव को केतकी का फूल भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। श्रावण में पत्तेदार सब्जियां, पालक साग इत्यादि, तेल या मसालेदार भोजन, लहसुन प्याज मच्छी, मांसाहार, मूली बैंगन, गुड़ मीठी, ज़्यादा खट्टी और नमकीन पदार्थ, कच्चा दूध, कड़ी, शहद और शक्कर का त्याग कर देना चाहिए। इस माह में रोग पैदा करने वाली वस्तुएं ज़्यादा होती हैं। भोजन कांसे के बर्तन में नहीं किया जाता है। सावन के माह में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, जैसे पान, सुपारी, तम्बाकू, अल्कोहल या अन्य किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। सावन के माह में यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो पछताना पड़ जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित ही आप गंभीर रोग या किसी भी प्रकार के शोक से ग्रस्त हो सकते हैं। आप पर शिव के अपमान का पाप भी लग सकता है। सावन के माह में गद्देदार बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु इन दिनों में क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। सावन माह में सुबह देर से उठना और रात देर तक सोना भी नुकसानदायक होता है। दिन में शयन न करें। शरीर पर तेल सावन के महीने में कभी नहीं लगाना चाहिए। सावन माह में प्रतिदिन ब्रह्म बेला में स्नान करना चाहिए। स्नान नहीं करने से शरीर जल्द ही रोगग्रस्त हो जाता है। माह में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाने चाहिए, जैसे विवाह संस्कार, जात कर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि। सावन माह में शिव पूजा में कोई गलती नहीं करनी चाहिए, जैसे शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम, केतकी का फूल या तुलसी अर्पित नहीं करना चाहिए। लिंग पर नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाया जाता है और शिवलिंग की पूजा शंख से नहीं की जाती है। सावन माह में यदि आपके द्वार पर कोई आए, जैसे गाय, बैल, भिक्षुक आदि, वह सभी अतिथि होते हैं, उन्हें भगाना नहीं चाहिए। सावन माह में किसी का अपमान न करें, खासकर देवता, माता पिता, गुरु, जीवन साथी, मित्र, मेहमान। इस माह किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वैसे तो किसी भी जीव जंतु, किसी भी प्राणी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। इस माह में दाढ़ी या सिर के बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून भी नहीं काटने चाहिए। सिख भोजन से जितना हो सके सावन के महीने में परहेज किया जाता है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए पूरे सावन माह में भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा अर्चना वंदना तन मन धन से करनी चाहिए। सावन के महीने में ज़रूर करें ये उपाय। श्रावण मास के दौरान भगवान शिव को पंचामृत चढ़ाकर रुद्राभिषेक करने से मन और शरीर को शांति मिलती है। सावन के महीने में व्रत रखना काफ़ी शुभ माना जाता है। व्रत रखना सेहत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद रहता है। महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जितना अधिक हो सके जाप करना चाहिए। सावन महीने में श्रावण सोमवार का व्रत करना, पढ़ना और पवित्र रुद्राक्ष धारण करना भी काफ़ी पवित्र और शुभ माना जाता है। सावन के महीने में रुद्राष्टकम का पाठ करना सर्वोत्तम माना जाता है। सावन में जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस महीने में अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी इन नियमों का पालन तो आप ज़रूर करें, इससे आपको पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है।
के महीने में पड़ने वाले सोमवार के दिन शिवलिंग पर अनार के जूस से अभिषेक करेंगे तो आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। अगर आपके घर में कोई अक्सर बीमार चल रहा है तो सावन के महीने में रोज़ाना पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें, इससे बीमारी से छुटकारा मिलता है। वैसे तो भगवान शिव की पूजा करने का हमेशा ही शुभ फल प्राप्त होता है, लेकिन सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करना और शिवलिंग पर दूध चढ़ाना अति शुभ फल माना जाता है। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। यदि आप सावन में हर रोज़ शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो शिव परिवार का आशीर्वाद आपको मिलता है। आपका मन भी मजबूत होता है क्योंकि मन का कारक ग्रह चंद्रमा है और जो भगवान शिव के सिर पर सुशोभित है। सावन में हर रोज़ शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है, मन की चंचलता दूर होती है। साथ ही आप भगवान शिव को केसर मिश्रित खीर का भोग लगाएं, ऐसा करने से नौकरी और व्यवसाय में भी लाभ मिलता है। शास्त्रों में स्वस्थ शरीर को ही संपन्नता का प्रतीक बताया गया है। आप सेहतमंद हैं तो आप जीवन में हर सफलता अर्जित कर सकते हैं, इसलिए सावन माह में प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। इसके साथ ही इस मंत्र के जप से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी दुरुस्त होता है। भगवान शिव को भांग धतूरा और बेलपत्र अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है। ये चीज़ें सावन सोमवार के दिन से शिव मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित करें तो भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी और जीवन में आ रही अड़चन भी दूर होती है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सावन के महीने में अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस माह को मांस मदिरा अर्थात तामसिक भोजन के सेवन से परहेज करना चाहिए। साथ ही इस माह में दूध नहीं पीना चाहिए, हरी सब्जियों का त्याग कर देना चाहिए क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव को दूध अर्पित किया जाता है। सावन में दूध न पीने के वैज्ञानिक कारण भी हैं। उम्मीद करती हूँ कि सावन का महीना इतना खास क्यों है, सावन के महीने में कैसे भगवान शिव की पूजा करें और क्या करें क्या ना करें। अगर आप मंदिर जा के पूजा कर सकते हैं तो बहुत उत्तम है, और नहीं तो आप घर में ही अब मंदिर के शिवलिंग पे पूजा करें, वही लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिली होगी, और थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।